Hello everybody, this is Shivam Dubey from English Kingdom, Khusra Prayagraj. As you know, it's the new name of Allahabad. And now we are here with the last video of punctuation. Jaisa maine pehle bhi promise kiya tha ki punctuation par hum 4 videos bana rahe hain aur charon videos mein hum pure punctuation ke jitne bhi marks hain unko cover karenge. To ye hamara 4th वीडियो है पंक्चुएशन पर, जो पंक्चुएशन के सारे पार्ट्स को कंप्लीट करेगा. हमारे आज के पंक्चुएशन के डिस्कशन का जो इशू है वो कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, बट कभी कभी हम केयरलेस रहते हैं और इग्नोर करते हैं या ध्यान नहीं दे पाते हैं कि उनसे हमें एरर कहाँ पर हो सकती है और कैसे हम लोग उनसे एरर से बच सकते हैं या फिर उनका यूज़ कैसे करना है. तो आज का जो पंक्चुएशन का हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक पर हम लोगों ने एक बार फिर से 4 टॉपिक्स को लिया हुआ है. एपोस्ट्रॉफी, पैरेंथेसिस, क्वेश्चन मार्क और डबल डैशेस. इसके पहले कि हम लोग शुरू करें, यह बात भी याद रखना होगा कि इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने डैश के यूज के बारे में बात किया हुआ था, लेकिन आज जिस डैश के बारे में बात करेंगे वो सिर्फ डैश नहीं होगा, एक्चुअली वो डबल डैश होगा. तो उसका कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. आइए देखते हैं, पहले यूज से बात करते हैं. पहला यूज हमारा है एपोस्ट्रॉफी. एपोस्ट्रॉफी जो एक तरह का कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा जैसा होता है जो किसी वर्ड के ऊपर यूज किया जाता है, और ऐसे में जब वो वर्ड के साथ यूज होता है तो क्या क्या फंक्शन करता है उसके बारे में जानते हैं. एपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड टू शो द ओमिशन ऑफ अ लेटर और लेटर्स आउट ऑफ वर्ड. द पोजेसिव फॉर्म ऑफ लिविंग थिंग्स एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ अ डिजिट, लेटर्स, वर्ड्स एक्सेट्रा. यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्लियर करते चलते हैं. जैसे ओमिशन ऑफ लेटर, कई बार ऐसा होता है कि जो वर्ड या जो ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जो थोड़ा बड़े लार्ज साइज का होता है, तो उसे कुछ लेटर्स, ये जरूरी नहीं कि वॉवेल या कुछ कॉन्सोनेंट हो, किसी को भी हम ओमिट कर देते हैं और उसको गायब करने के बाद, उसको हटाने के बाद वहां पर एक इन्वर्टेड कॉमा टाइप का लगाते हैं जो एपोस्ट्रॉफी होता है, और उसका यह मतलब होता है कि हमने यहां से एक लेटर को या जरूरत पड़ने पर लेटर्स को ओमिट किया हुआ है, वहां से हटाया हुआ है. जैसे आप देख सकते हैं पहले एग्जांपल में हमने यहां दिखाने की कोशिश किया है, आई डोंट हैव टाइम फॉर एनी वन ऑफ यू नाउ. अगर यहां पर डोंट को देखा जाए तो डोंट में हमने डू और नॉट दोनों को एक साथ जोड़ करके एक वर्ड बनाने की कोशिश की है, और वहां पर हमने ओ को ओमिट किया है, क्योंकि अगर सही ढंग से देखा जाए तो डू नॉट में लिखना चाहिए, नॉट का ओ ओमिट किया गया और उसकी जगह पर हमने यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का यूज किया. अब इस एपोस्ट्रॉफी की जगह पर अगर हमने डैश यूज किया होता या हाइफन का यूज कर दिया होता या कॉमा का यूज कर दिया होता तो वह एक एरर होता. कई बार हम देखते हैं हमारे सेंटेंसेस में ऐसा लिखा रहता है कि हैव का एच ए जो होता है वो गायब होता है और सिर्फ वी ई लिखा रहता है, तो वहां पर हम दो दो लेटर्स को एक साथ हटा देते हैं. तो आई हैव लिखना है तो उसमें हम लोग एच ए को रिमूव कर देते हैं. आई शैल या आई विल लिखना है तो शैल लिखते समय एस एच ए को हम रिमूव कर देते हैं. इस तरह से हम एक लेटर को भी, एक अक्षर को भी और कई लेटर्स को, कई अक्षर को भी ओमिट कर सकते हैं, और ओमिशन उसका हो सकता है किसी भी वर्ड से. तो एक काम अपोस्ट्रॉफी करता है ओमिशन दिखाने का. दूसरा पजेसिव फॉर्म ऑफ लिविंग थिंग्स, क्योंकि थिंग्स दो तरह की होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. पजेशन दोनों का होता है, अधिकार दोनों का होता है, संबंध दोनों का होता है. लिविंग थिंग का जब लिविंग थिंग पर पोजेशन होता है, सजीव का जब सजीव पर अधिकार होता है, तो उस अधिकार को दिखाने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं.
लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी डबल एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं किया जाता, एक साथ दो वर्ड्स के साथ लगातार एपोस्ट्रॉफी यूज नहीं हो सकता, इसका हमेशा ध्यान रखिए। यह पजेसिव फॉर्म जो लिविंग थिंग्स के लिए एपोस्ट्रॉफी का यूज होता है उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं, इमरान विल मीट रीता'स मदर टुमारो। यहां पर अगर देखा जाए तो रीता और उसकी मदर दोनों ही लिविंग हैं। हमने आपसे कहा कि जब लिविंग थिंग का दूसरी लिविंग थिंग पर पजेशन हो तो उस कंडीशन में हमें अपोस्ट्रॉफी का यूज करना चाहिए, और इस तरह से हमने यहाँ पर रीता के साथ अपोस्ट्रॉफी का यूज किया है और यह एक राइट कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर यही अपोस्ट्रॉफी की जगह पर हमने डैश यूज कर दिया होता या सेमी कॉलन का यूज कर दिया होता तो वह एक एरर माना जाता है। इसलिए ध्यान रखना होगा कि जब लिविंग थिंग का लिविंग थिंग पर पोजीशन दिखाना होता है उसी कंडीशन में हम अपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, अदरवाइज हम लोग ऑफ जेनिटिव का यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग के पोजीशन को दिखाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर चले, प्लूरल फॉर्म ऑफ डिजिट मतलब कोई संख्या है उसका प्लूरल दिखाना है, लेटर्स अक्षर है, एक अक्षर कई बार किसी लाइन में आया है किसी पैराग्राफ में आया उसके बारे में बात करना है, या वर्ड्स, वर्ड्स के दो सेंस होते हैं, कभी वह वस्तु के लिए यूज किया जाता है और कभी वह केवल शब्द होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेबल अगर हम लेते हैं, टेबल एक वर्ड ले रहे हैं तो टेबल दो चीजों को शो कर रहा है, एक तो टेबल वस्तु भी है जो हमारे सामने मेज के रूप में होती है, दूसरा टेबल एक शब्द भी है एक वर्ड भी है। जब टेबल वस्तु है थिंग है तो उस कंडीशन में उसका प्लूरल तो हम एस लगाकर बना देते हैं टेबल्स, लेकिन जो टेबल वर्ड है अगर इस वर्ड का इस शब्द का हमको प्लूरल देखना है तो उसके लिए हम अपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, एस का यूज नहीं करते हैं, अपोस्ट्रॉफी के साथ एस का यूज करते हैं, केवल एस लगाने से गलत हो जाएगा। तो वर्ड्स का प्लूरल बनाना है उस कंडीशन में भी हम लोग अपोस्ट्रॉफी के साथ एस का यूज करके प्लूरल बनाते हैं। तो रिमेंबर अपोस्ट्रॉफी से सिर्फ पोजेशन नहीं दिखाया जाता है बल्कि अपोस्ट्रॉफी की मदद से डिजिट किसी संख्या, लेटर्स किसी अक्षर, वर्ड्स शब्द या अब्रीवेशन जो हम लोग संक्षिप्त फॉर्म लेते हैं अब्रीवेशन को भी जब थिंग के सेंस में दिखाना होता है तो वहां पर भी हम लोग इसी तरह से अपोस्ट्रॉफी और एस का यूज करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं थर्ड एग्जांपल में हम लोगों ने लिया हुआ है, रोहित विल रिमूव ऑल काउज फ्रॉम दिस पोयम। नाउ वील सी, यहां पर अगर देखा जाए तो पोयम में लिखे हुए जो काउज है तो ये काउज एनिमल नहीं है बल्कि यह काउ वो शब्द है जो उस पोयम में लिखे हुए हैं, और इस तरह से जब हम काउ शब्द काउ वर्ड को प्लूरल बना रहे हैं तो एस लगाकर प्लूरल बनाना गलत होगा, इसलिए यहां पर हमें अपोस्ट्रॉफी का यूज करना पड़ेगा एस से पहले, और इस तरह से काउ के साथ अपोस्ट्रॉफी जब एस लगा देंगे तो एक वर्ड के रूप में एक शब्द के रूप में काउ का प्लूरल बन जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा डिजिट का प्लूरल बनाना है, किसी लेटर्स को प्लूरल दिखाना है, वर्ड्स का प्लूरल लेना है और किसी अब्रीवेशन का थिंग के सेंस में प्लूरल लेना है तो उस कंडीशन में हमेशा अपोस्ट्रॉफी के साथ एस का यूज किया जाता है। तो ये थे कुछ यूजेस जो हम लोगों ने बात किए अपोस्ट्रॉफी के बारे में, और अब हम लोग मूव करते हैं अगले यूज के लिए। नेक्स्ट हमारा यूज है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस एक तरह से जिसको हम लोग अपने इजी लैंग्वेज में ब्रैकेट बोल देते हैं या हिंदी में हम कोष्ठक बोलते हैं, वैसे तो पैरेंथेसिस का ज्यादा यूज मैथमेटिक्स में होता है लेकिन हम लोग इंग्लिश की राइटिंग में भी पैरेंथेसिस का यूज कर लिया करते हैं, इसी पर हम लोग डिस्कस करते हैं। पैरेंथेसिस आर यूज्ड टू सेपरेट अ फ्रेज और क्लॉज इन अ सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस में कोई फ्रेज या क्लॉज यूज किया गया है लेकिन उस फ्रेज या क्लॉज का उस सेंटेंस से एक्चुअली कोई रिलेशन नहीं है, या यूं कहें कि वहां पर उसका ग्रामेटिकली कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उस फ्रेज या क्लॉज को हम पैरेंथेसिस या डबल ब्रैकेट के बीच में रखा करते हैं। तो एक ब्रैकेट
पहले शुरू होता है ओपन करता है, दूसरा ब्रैकेट बाद में आता है, कुछ इस तरह से जैसे हम लोगों ने कॉमा के बारे में जब बात किया था और वहां पर मैंने बताया था कि केस इन ए पोजीशन जब हम लोग बनाते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए तो उस केस इन ए पोजीशन के पहले भी हम कॉमा रखते हैं और उस केस इन ए पोजीशन के बाद भी हम कॉमा रखते हैं। कुछ उसी तरह से पैरेंथेसिस का यूज होता है जिस फ्रेज या क्लॉज का उस सेंटेंस से ग्रामेटिकली कोई रिलेशन नहीं होता है उस फ्रेज या क्लॉज से पहले भी हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं और उसके बाद भी हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। ऐसा हमने यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल में दिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट एग्जांपल है दीपक विल पास दो इट वाज नेवर सो हार्ड द फॉलोइंग ईयर। अब यहां पर अगर देखा जाए तो एक ये सेंटेंस का हमारा पार्ट चला जो विल पास तक है, उसके बाद कॉमा लगा दिया गया। हमें यहां से तो नहीं मालूम चलता कि कॉमा का यूज करना गलत है या सही है, लेकिन हमने देखा दो इट वाज नेवर सो हार्ड इसका इस प्रेजेंट सेंटेंस से ग्रामेटिकल कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि बातें फ्यूचर टेंस में हो रही हैं और यहां पर जो कंडीशन क्लॉज का दिखाया जा रहा है वह क्लॉज हमारा पास्ट टेंस में है, तो एक तरह से ग्रामेटिकल नो रिलेशन। और ऐसी कंडीशन में जहां पर यहां हार्ड के बाद हमने देखा पैरेंथेसिस को क्लोज करता हुआ दिखाया गया, ये पैरेंथेसिस क्लोज हो रहा है, लेकिन जहां पर दो है उसके पहले कॉमा से ओपन किया गया। मैंने आपसे बताया कि अगर इस तरह से अनरिलेटेड ग्रामेटिकली अनरिलेटेड फ्रेज या क्लॉज को हम लोग रखते हैं किसी सेंटेंस में तो उनकी ओपनिंग और उनके लास्ट दोनों तरफ हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, इसलिए यहां पर कॉमा का यूज होना एक एरर है। दो से पहले हम पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे और हार्ड के बाद पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे जिसकी वजह से हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट यूज हमारे लिए एक सिंपल यूज है जिसमें हम लोग आते हैं क्वेश्चन मार्क के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन मार्क एक चिरपरिचित मार्क है जिसका ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं और वो यूज करते हैं इंट्रोगेशन के लिए या इंट्रोगेटिव जो हमारी सेंटेंसेस होती है वहां पर यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अलावा जब हम किसी भी असर्टिव या इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो उस कंडीशन में क्वेश्चन टैग बनाने के बाद भी हम हमेशा क्वेश्चन मार्क का ही यूज करते हैं। फुल स्टॉप, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या इस तरह के किसी भी मार्क का यूज करना एक एरर होगा। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करते हैं जिनको हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनको हम क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं और उन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चाहे वो सिंगल इंट्रोगेटिव हो या फिर वो डबल इंट्रोगेटिव हो, दोनों की कंडीशन में हम लोग हमेशा यह ख्याल रखते हैं कि क्वेश्चन मार्क को लास्ट में यूज किया जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन न पूछने के सेंस में आया है या यू कह सकते हैं कि कभी कभी इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन में आ जाता है, या यू समझ लें कि क्वेश्चन वर्ड के का यूज हम लोग सवाल पूछने के बजाय रिलेट करने के सेंस में करते हैं, तो उस कंडीशन में फिर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता है बल्कि वहां पर फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं इन तीनों इश्यूज को कि क्वेश्चन मार्क कब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन वर्ड के साथ और ऑक्सिलरी के साथ यूज किए जाएंगे और कब क्वेश्चन टैग के साथ यूज किए जाएंगे और कब ऐसा हो सकता है कि वह रिलेटिव सेंस में आए जिससे हम लोग क्वेश्चन मार्क नहीं यूज करके फुल स्टॉप लगाएंगे। चलिए देखते हैं, यहां पर एग्जांपल है विल शिवांगी एवर चेंज हर माइंड। यहां पर अगर देखा जाए तो विल से विल जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी है उससे हमारे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है और उसके बाद शिवांगी हमारे लिए एक सब्जेक्ट बनकर आ रही है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है और उसके बाद सब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है तो इस कंडीशन में जो सेंटेंस बन रहा है वो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसलिए सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का ही यूज होना चाहिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन का एरर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा जाए, व्हाट आर यू डूइंग अगेंस्ट करप्शन। यहाँ पर लास्ट में हमने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया है। हम ये जानते हैं कि व्हाट के साथ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का भी यूज किया जाता है क्योंकि कभी कभी ये व्हाट जो होता है वो इंट्रोगेटिव सेंस में होता है,
इंटरजेक्शन सेंस में होता है, कभी इंट्रोगेटिव सेंस में है, कभी इंटरजेक्शन सेंस में। तो जब यह इंटरजेक्शन सेंस में होता है, सरप्राइज को शो करता है, वंडर को शो करता है, उस कंडीशन में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लेता है। लेकिन जब यह क्वेश्चन को शो करता है तो यह अपने साथ लास्ट में क्वेश्चन मार्क लेता है। अब सवाल यह है कि हम कैसे पहचाने कि यह एक्सक्लेमेशन का काम कर रहा है या इंट्रोगेशन का। अगर यह इंट्रोगेशन का काम करता है तो इसके बाद क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हम ऑलमोस्ट ऑक्सिलरी वर्ब पा जाते हैं और उस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट मिल जाता है। अगर ऐसा हो रहा है कि क्वेश्चन वर्ड अपने बाद ऑक्सिलरी ले रहा है और फिर उसके बाद उसको सब्जेक्ट मिल जा रहा है, तो वह जरूर जब जनरली उसको हम लोग यूज करते हैं तो वह इंट्रोगेशन के सेंस में होता है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट जो वर्ड आया है उसके तुरंत बाद हमने ऑक्सिलरी लिया आर, और आर के बाद हमने एक सब्जेक्ट लिया यू। क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर ऑक्सिलरी वर्ब आए और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए, इसका मतलब वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और अगर वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसके लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं आना चाहिए बल्कि वहां पर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। इसलिए यहां पर क्वेश्चन मार्क का यूज होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, नेक्स्ट है हूज ब्रदर शीला वाज टीचिंग ऑन संडे। जैसा यहां पर देख सकते हैं मैंने आपसे बताया था क्वेश्चन वर्ड अपने साथ अगर ऑक्सिलरी वर्ब लेकर आए तो ही वो अपने कंडीशन में क्वेश्चन बना सकता है। हालांकि कुछ क्वेश्चन वर्ड जैसे हाउ मेनी, हूज, विच, हाउ मच, ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जो अपने बाद कभी कभी नाउन लेकर आते हैं जिस कंडीशन में वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन वर्ड हूज, विच, हाउ मेनी, हाउ मच का डिसीजन लेने के लिए तुरंत यह नहीं देखना है कि उसके तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आया है या नहीं, बल्कि यह देखना है कि उस नाउन या प्रोनाउन के बाद ऑक्सिलरी आई है कि नहीं। अगर उस नाउन या प्रोनाउन के बाद ऑक्सिलरी नहीं आई बल्कि कोई नाउन या प्रोनाउन आ गया, उस कंडीशन में इसको समझ लेना चाहिए कि ये रिलेटिव सेंस में यूज किए गए हैं और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं बल्कि फुल स्टॉप का यूज होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम देखें हूज यहां पर एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद एक नाउन आ गया है ब्रदर। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद अगर हम देखें यहां पर ऑक्सिलरी आया है तो ऑक्सिलरी नहीं आया, इसका मतलब ये शीला जो हमने सब्जेक्ट लिया है नाउन के रूप में वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद आया हुआ नाउन या प्रोनाउन है। जैसा मैंने कहा क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन रहा है, इसके बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आ रहे हैं तो उसका सेंस हो जाएगा उसका रिलेटिव में यूज किया गया है, और अगर रिलेटिव कंडीशन में यूज किया गया है तो क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं होगा बल्कि वहां पर फुल स्टॉप का यूज किया जाएगा। इसलिए संडे के बाद यहां पर क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप का यूज होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से क्वेश्चन टैग में इसका यूज होता है। सेंटेंस है लेट मी फिनिश माय वर्क वोंट यू। अगर ये देखा जाए तो इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग जो होता है विल यू, वोंट यू के साथ बना करता है। हम यहां देख रहे हैं कि लास्ट में ये कॉमा और कॉमा के बाद का जो पोर्शन है वो एक ऑक्सिलरी के साथ और उसके बाद एक सब्जेक्ट भी आया है यू, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं किया गया। हमें रियलाइज करना होगा कि वोंट यू एक क्वेश्चन टैग है और अगर यह क्वेश्चन टैग इंपरेटिव सेंटेंस लेट मी फिनिश माई वर्क के लिए आया हुआ है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज होना चाहिए। इसलिए यहां पर जो ये फुल स्टॉप का यूज किया गया वो एक एरर है, फुल स्टॉप को रिमूव करके हमें यहां पर क्वेश्चन मार्क का यूज करना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल असर्टिव सेंटेंस से है आई एम एन ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर आरंट आई। अगर यहां देखा जाए तो एक बार फिर से सेम कॉम्बिनेशन है, कॉमा से दो पोर्शन को अलग अलग किया गया है, एक और स्टेटमेंट है जो I am an honest police officer के रूप में है, दूसरी ओर question tag है जहाँ पर auxiliary are उसके साथ subject I आया है। तो ये question tag जो aren't I यहाँ use किया गया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि mark of exclamation का use किया गया है जो कहीं से भी सही नजर नहीं आता क्योंकि question tag जो बन रहा है aren't I, इसके बाद question mark का use होना चाहिए। इसलिए mark of exclamation को remove करके यहां पर क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाएगा।
नेक्स्ट एग्जांपल को चलने से पहले अगले रूल को डिस्कस कर लेते हैं जो डबल डैशेस के यूज के बारे में। डबल डैशेस का यूज हम हर उस जगह कर सकते हैं जहां पर हम पैरेंथेसिस का यूज कर रहे थे, मतलब पैरेंथेसिस के यूज और डबल डैशेस के यूज में कोई डिफरेंस नहीं है। एक बार फिर से उसी रूल को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। आर यूज टू सेपरेट अ नॉन ग्रामेटिकल फ्रेज और क्लॉज इन अ सेंटेंस। जब किसी सेंटेंस में हम एक नॉन ग्रामेटिकल, ग्रामर से रिलेट न करने वाले फ्रेज या क्लॉज का यूज करते हैं तो उसे सेपरेट करने के लिए हम डबल डैशेस का यूज करते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि डैश का जो रिलेशन होता है वह कुछ इस तरह से होता है कि डैश की साइज थोड़ी हाइफन से बड़ी होती है तो उसको हम लोग करते हैं, और पैरेंथेसिस के रूप में ही इसका भी यूज होता है। जिसका मतलब क्लियर है कि जहां पर डबल डैश का यह रिलेशन है कि डैश पहले आएगा दूसरा डैश, जहां पर वो फ्रेज या क्लॉज जो नॉन ग्रामेटिकल है एंड होगी वहां आएगा। तो शुरू में भी आना है पैरेंथेसिस की तरह और लास्ट में भी आना है जहां पर फ्रेज या क्लॉज एंड हो रहे हैं उस सेंटेंस का। तो आकर देखते हैं कि इस सेंटेंस में क्या सही ढंग से हम लोगों ने इसको यूज किया है या फिर नहीं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वर्क हार्ड, कॉल इट व्हाट यू प्लीज, सेमीकॉलन, पर डे। अब यहां पर अगर देखा जाए तो यहां हमारे सेंटेंस सही ढंग से अगर देखा जाए तो बनता था आई वर्क हार्ड पर डे, लेकिन उसके बीच में हमने एक नॉन ग्रामेटिकल क्लॉज को यूज कर डाला, कॉल इट व्हाट यू प्लीज। अब ये जो कॉल इट व्हाट यू प्लीज था, इसके लिए या तो हम पैरेंथेसिस का यूज कर सकते थे या हम डबल डैशेस का यूज कर सकते। ओपनिंग अगर देखा जाए तो हमने डैश से ओपनिंग तो कर दिया है, जो कॉल के पहले आया हुआ हिस्सा है वहां पर डैश का यूज किया गया है, लेकिन जहां प्लीज वर्ड आ रहा है पर डे से पहले वहां पर हमने सेमी कॉलन का यूज कर दिया। सेमी कॉलन का यूज होना यहां पर एक एरर होगा क्योंकि यह डबल डैश का कॉम्बिनेशन है, इसलिए सेमी कॉलन को रिमूव करके यहां पर डैश का यूज किया जाएगा। तो पर से पहले डैश का यूज करेंगे, इस तरह से डबल डैश के बीच में कॉल इट व्हाट यू प्लीज क्लॉज आएगा, और इस तरह से एक नॉन ग्रामेटिकल क्लॉज या फ्रेज को हम सेपरेट करते हैं डबल डैश की मदद से। तो ये था पंक्चुएशन पर हमारी ओर से चार वीडियोस का कॉम्बिनेशन, होपफुली आप इसे पसंद करेंगे। जैसा भी लगता है हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द पंक्चुएशन in our video. Thanks a lot watching us. Keep watching English Kingdom Alawar and contact us for notes and classes. Thank you very much.